ये बढ़िया वाली ट्रिप है भाई 1.5 में, वो भी सारा माजरा ही बदल गया, कहाँ गया सब। बाइक वालों का समय आएगा ऐसा। 165 रुपए की हमें इनकम हुई है। ऐसा नहीं है कि बस सीधा पोर्टर ने मना कर दिया तो आप टूट पड़ो। हमारी बाइक के अगले सोकर ढीले हो गए थे। पोर्टर का एक ऐसा अपडेट आएगा कि आप भी। ओ भाई कितना तगड़ा सर्ज लगा हुआ है भाई सर्ज में, ये देखो भाई 1.2 के अंदर ड्यूटी आई है 95 रुपए की। ओ 1.4 के अंदर भी आ गया लेकिन छोटी सी आई है भाई। बोर्ड जो भी बज रहा है आज तो 126 रुपए का, मजा ही आ गया। ये बढ़िया वाली ट्रिप है भाई 1.5 में, वो भी पार्सल। बताओ फर्स्ट फ्लोर पे ये जमीन दिखा रहा है, हम जीरो दबा है और नीचे पहुंच गए। हमने कहा यार सारा माजरा ही बदल गया, कहाँ गया सब। तो मैं कहा भैया एक दबाओ जीने से नीचे आ जाएंगे ज्यादा है, तो देखा एक पे सही पहुंचे हैं। तो दोस्तों ये वाला आइटम यानी फूड है यार कुल मिला के, ये कहे तो कस्टमर से हमने बात भाई उनको कर लिया है कि भाई ये बहुत गलत बात है, जब रोड साइड लिखा हुआ है तो रोड साइड ही आपको पार्सल देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई आगे से ध्यान रखेंगे और आप जहाँ डिलीवरी करोगे वहाँ पर मैं रोड साइड ही पार्सल आपसे ले लूँगा। और ठीक है भैया ले लियो। अब यहाँ से सेक्टर 62 का ये पार्सल है 1.5 के अंदर है, वहाँ जाके पता चलेगा कितने रुपए मिलेंगे। ऑलरेडी पहले से इंतजार कर रहे थे, टोटल 15 किलोमीटर की ये राइड थी और 15 किलोमीटर में 165 रुपए की हमें इनकम हुई है। ये है सब कुछ काट कूट के। तो लो जी दोस्तों हम पहुंच गए भाई सोकर वाले के पास। हमारी बाइक के अगले सोकर ढीले हो गए थे यानी दब गए थे, तो इनको उठवाना है। और पिछले सोकर भी हमें कुछ ऐसा ही लग रहा है, बोला ऊबर रैपिडो में चलेंगे तो भाई सोकरों का काम तो कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पर हम सोकर का काम करा और आपको पता है भाई अभी अभी 800, हाँ अगर बैटरी रिटर्न की माने तो भाई 900 रुपए की एमेरोन की बैटरी भी खरीदी है। तो आज तो भाई खर्चा ही खर्चा हो रहा है लग रहा है। अभी 900 रुपए का खर्चा करके आए हैं, एमेरोन की बैटरी लगवाई है नई। हालांकि इससे पहले वाली बैटरी गारंटी में थी लेकिन हम दुखी हो गए थे, हमने सीधा उसे बदलवा ही लिया, एमेरोन की दूसरी बैटरी लगवाई। फिर बगल में यहाँ पर हमारे रामचंद्र ऑटो सॉकर है, ये सेक्टर 9 और 10 की कहानी है भाई सारी। यहाँ पर हम अपनी बाइक के अगले और पिछले दोनों सॉकरों का काम करवा रहे हैं। तो लो दोस्तों हम पहुंच गए भाई घर पे। हमने भैया अपना बाइक का काम कराया और ऐसा नहीं कि सिर्फ काम ही कराया भाई, काम किया भी है। 550 रुपये का काम किया है, उबर के अंदर हमने 360 रुपये के आसपास का काम किया, तो ओला के अंदर भी 215 रुपये के आसपास का काम किया है। अब भाई बात आई कि बाइक के सॉकर में हमारा कितना खर्चा लगा, तो देखो आप भी जानते हैं भाई ये ओला उबर रैपिडो में सवारियां आती हैं, हमारी इतनी वेट की भी आती हैं हल्की भी आती हैं, तो सॉकर हमेशा ख़राब होते रहते हैं। अब हमने जहां पर काम कराया ये भाई ना 6 महीने की गारंटी देते हैं, ये 6 महीने में अगर लीक हो जाए दब जाए कुछ भी हो जाए तो बिल्कुल फ्री में दोबारा भर के देंगे, दोबारा एक्यूरेट करके देंगे। हमने आज से 2 साल पहले इनसे एक बार और सॉकर का काम कराया था, फर्स्ट क्लास चले थे भाई। 2 साल बाद जाके एक सॉकर हमारा लीक हुआ था पीछे वाला और अगले वाले थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, तो हम फिर चले गए भाई 600 रुपये में हमारा काम हो गया। तो और क्या चाहिए भाई, आप भी अगर दिल्ली और नोएडा के आसपास रहते हैं तो सेक्टर 9 की मार्केट में ये रामचंद्र ऑटो के पास आप जा सकते हैं, अपने सॉकर भरवा सकते हैं। अब आई भाई महत्वपूर्ण बात कि आज हमने वो 2 कमेंट्स जो शुरुआत में लेते थे वो अभी तक लिए नहीं है। तो एक कमेंट्स के अंदर भाई ने पूछा है कि मिश्रा जी आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होने के लिए 200 रुपये चार्ज करते हैं, तो भाई बिल्कुल नहीं करते हम 200 रुपये चार्ज। व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फ्री है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से दबाओ बटन और सीधा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओ। जिस ग्रुप की बात आप अगर कर रहे हैं कि 200 रुपये लेते हैं भाई, वो हमारा एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर हर कोई ऐड नहीं हो सकता है, उसमें वेरिफिकेशन का चार्ज लगता है, जिसका चार्ज 200 रुपये है उसका लगता है, लेकिन हम उसके लिए ना तो आपको बोल रहे हैं ना ही किसी और को बोल रहे हैं। उसके अंदर भाई कोई मत ऐड हो, ना ही उसका कोई लिंक हमने YouTube पे या कहीं और भी लीक कर रखा है भाई, उसका कोई लिंक नहीं है। वो केवल जिसको ऐड होना होता है वो हमसे संपर्क करता है, हम उसमें उसको ऐड कर देते हैं और 200 रुपये वेरिफिकेशन चार्ज लेते हैं। उसके अंदर सिर्फ एक कंपनी से संबंधित हम जानकारी
तुरंत देते हैं और उस कंपनी का नाम है बोर्जो। भाई बोर्जो से संबंधित किसी को कोई परेशानी, जैसे आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं ना, तो वीडियो में पूरी डिटेल्स है तो हम आपको समझा नहीं सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर भी कोई कमेंट्स करते हैं बोर्जो से संबंधित किसी परेशानी के लिए, तो भाई उस परेशानी के डिटेल हम कितना समझाएंगे आपको। तो इसलिए अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपनी परेशानी, जो हमारा पर्सनल वाला व्हाट्सएप ग्रुप है जो सिर्फ बोर्जो की जानकारी के लिए बनाया गया है, उसके अंदर अगर आप मैसेज करते हैं तो हम बकायदा आपको रिटर्न कॉल करेंगे भाई, और रिटर्न कॉल करके आपको तरीका बताएंगे कि आपको इस समस्या से निपटने के लिए क्या क्या करना होता है। तो वो पर्सनल ग्रुप है हमारा, उसका 200 रुपए चार्ज है, बाकी बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप राइडर हेल्प इंडिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, वहां से आप ऐड हो जाओ। बहुत सारे भाई हैं भाई जिनको अब पूरी नॉलेज हो चुकी है कि बोर्जो के अंदर अगर कोई समस्या आती है तो उसका हल कैसे करना होता है, बिल्कुल फ्री में आपका काम हो जाएगा। छोड़ दो आप हमारे वाले पर्सनल वाले ग्रुप को, उसकी बात जाने दो। लेते हैं दूसरा कमेंट। तो यहां पर भाई ने बोला है कि पोर्टर के अंदर अब सीएनजी वाले थ्री व्हीलर ऐड होने बंद हो गए, यानी पोर्टर ने अटैच करने ही बंद कर दिए। तो भाई आपकी जानकारी बिल्कुल सही है, पोर्टर अब थ्री व्हीलर सीएनजी वाले अटैच करना बंद कर चुका है, बंद कर दिया है। अब आगे से सीएनजी वाले थ्री व्हीलर ऐड नहीं होंगे पोर्टर के अंदर, आपको इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर ही लेना पड़ेगा। और आप भाई अगर कैसा काम है, क्या है, क्या एवरेज है, ये सब जानना चाहते हो, तो पहले ना किसी कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये थ्री व्हीलर रेंट पर देती हैं 600 रुपये पर डे के हिसाब से। आप चाहो तो उनसे वो थ्री व्हीलर ले लो, एक आध महीना चलाओ, 15,600 ऐसे कुछ के आसपास उनका मंथली रेंट होता है, वो रेंट लो, रेंट पे लेके उसको चलाओ। अगर आपको लगे कि हाँ भाई कमाई है, इसके अंदर कमाई हो सकती है, तब आप अपना ले सकते हैं, ट्राई कर लेना। बाकी ऐसा नहीं है कि बस सीधा पोर्टर ने मना कर दिया तो आप टूट पड़ो इलेक्ट्रिक के ऊपर, क्योंकि भाई रेंज ज़्यादा नहीं होती है और ऑर्डर कहाँ का आ जाए पोर्टर के अंदर इसका कह नहीं सकते। मान लो दूर दराज का आ गया, वापसी में क्या करोगे, तो वो सब चीज़ें पहले आप देख लेना, उसके बाद करना, क्योंकि कंपनियाँ सिर्फ अपने बारे में पहले सोचती हैं, आपके बारे में बाद में सोचेगी। कंपनी अपने बारे में सोच रही है तो अगर आपको पोर्टर में काम करना है तब आपको भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा। आपको अगर इसी लाइन के अंदर काम करना है तो भाई इलेक्ट्रिक लेना ही पड़ेगा थ्री व्हीलर। बाइक वालों का समय आएगा ऐसा, उनको भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन अभी टाइम है उनके लिए, इसलिए बाइक वाले घबराएं ना। उम्मीद करते हैं आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी और आपके कुछ सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। हम तो भाई यही कह रहे हैं कि देखिए आप ज़्यादा खर्चा इस लाइन के अंदर मत करो, अभी ना बहुत कुछ बदलने वाला है। आपको पता ही है ना कि पोर्टर के अंदर आज तकरीबन 4-5 घंटे तक पोर्टर का ऐप डंप हो गया था, काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो हमने भी पीछे की वीडियो में बताया था ना कि बहुत तगड़ा अपडेट आने वाला है, याद रखना हमारी उस बात को। ये जो कल ऐप हैंग हुआ है ना 4 घंटे, ये उसी तरफ इशारा कर रहा है जिस तरफ इशारा हमने कुछ दिन पहले ही कर दिया था। तो भाई थोड़ा इंतजार करिए, पोर्टर का एक ऐसा अपडेट आएगा कि आप भी चौंक जाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही समझदारी और जानकारी भरी वीडियो के साथ, और जाते जाते आपको कहते हैं जय हिंद जय भारत।